सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको इजी वे में बैड डेट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि बैलेंस शीट में इसको किस जगह पर ट्रीट किया जाता है और इसकी जर्नल एंट्री क्या है और इसकी रिकवर और एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। तो सबसे पहले हम समझ लें कि बैड डेट्स होते क्या हैं। बैड डेट्स आर डेट दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो पैसे जो आपको अभी तक ना मिले हों। लाइक आपने किसी को 100 रुपया उधार में दे दिया है तो उसमें से 50 रुपए जो है जिस बंदे को दिए वो नहीं दे रहा, या वो पागल हो गया, या उसकी डेथ हो गई है, या कोई वो बैंकक्रप्ट या कोई फ्रॉडिया निकला है जिसकी वजह से वो पैसे आपको नहीं मिले। कोई भी रीजन है, लाइक कंपनी किसी को 1,000 रुपया दे देती है या 10,000 रुपया दे देती है तो वो पैसे उसको नहीं देता, कोई बंदा उसको नहीं लुटाता, भाग जाता है, मिलता नहीं, या उसकी डेथ हो जाती है, पागल हो जाता है, तो वो जो पैसे नहीं मिले ना, जो नहीं रिकवर हुए, उनको हम बोलते हैं बैड डेट्स, वो हमारे बुरे कर्जे हो जाते हैं, इसलिए इसको बैड डेट का वर्ड बोला जाता है। अभी बैड डेट किस जगह बैलेंस शीट में इसको किस जगह पर रिकॉर्ड किया जाता है, अब ये देखें, आप जो लोगों को पैसे देते हैं वो क्या होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि वो अभी आपने रिसीव करने हैं, तो उसको आप एसेट बोलते हैं, वो आपका करंट एसेट होता है बैलेंस शीट में। तो जब कुछ पैसे लाइक आपने 10,000 रुपया लोगों को दिया है तो आपने अकाउंट रिसीवेबल में 10,000 लिख लिया है, तो ये आपका करंट एसेट में लिखा हुआ है। अभी उसके अंदर से 1,000 रुपया लाइक 10,000 में से 1,000 जो है बैड डेट में चला गया, वो आपको नहीं रिसीव हुआ, तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में जाके जो बैड डेट की 1,000 की अमाउंट है उस 10,000 में से इसको इसकी रिडक्शन कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, बस इतना को काम है इसका बैलेंस शीट में। और अभी बात आ जाती किसी इसकी जर्नल एंट्री क्या है। बैड डेट जो होते हैं ना हमारे एक्सपेंस होते हैं, हमारे खर्चे बन जाते हैं, क्योंकि ये अभी हमें रिकवर नहीं हुए, हमें मिले नहीं, ना हमें मिलने हैं, ये हमारे नुकसान में चले गए पैसे, तो इसलिए ये हमारे एक्सपेंस बन जाते हैं। और कॉमन सी बात है, आपको पता है जर्नल की ये एंट्री है, जब एक्सपेंस बढ़ते हैं तो वो डेबिट होते हैं, तो इसलिए ये देखें बैड डेट है, हमारे एक्सपेंस बढ़ गए हैं, लाइक 1,000 रुपया जो हमारा नुकसान हो गया, एक्सपेंस बढ़ा है, तो इसलिए हम इसको डेबिट कर देंगे। इसी तरह हमने पैसे किससे लेने थे, रामलाल कोई बंदा था जिसे हमने 1,000 रुपया लेना था, वो पागल हो गया, मर गया, या कोई भी मसला है, तो हमें उसके पैसे नहीं मिले। ये जो रामलाल अकाउंट था, लाइक अकाउंट रिसीवेबल हमें बोलेंगे इसको, रामलाल का जो था पैसे अकाउंट रिसीवेबल के अंदर थे, ये हमारा एसेट था। तो अभी एसेट जब डिक्रीज होता है, कम होता है, तो वो क्रेडिट होता है, आपको पता है इस रूल का, तो इसलिए हम 1,000 की अमाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अभी ये देखें रिकवर और एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। लाइक राम ने आपका 1,000 रुपया देना था, 1,000 रुपया देना था, पर आपने उसके साथ झगड़ा किया या कोई केस चलाया जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी कह रहा हूं, जस्ट आपकी हो सकता है कि इस तरह की एंट्री आ जाए कि वो पैसे जो थे बैड डेट के उसके अंदर से 500 रुपया रिकवर हो गया है। तो जब पैसे रिकवर हो जाते हैं बैड डेट्स के अंदर से तो वो क्या होते हैं, लाइक कैश हमारे पास आ गया, कैश क्या हमारा एसेट है, तो जब आपको पता है एसेट इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, ये देखें 500 के साथ डेबिट कर दिया गया कैश को। और जब एक्सपेंस हमारे डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, तो ये देखें बैड डेट रिकवरी जो एक्सपेंस था हमारा ये डिक्रीज हुआ है तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया 500 से। जस्ट ये इसका लॉजिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, गुड बाय।